आज 5 जनवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 5 जनवरी 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा फिर से योग के ऊपर गहराई में लेके जा रहा है। और जो बाबा ने पहले भी कहा हुआ है कि बाबा के बच्चे छिपे नहीं रह सकते, कोई अगर बाबा का बच्चा समझता है कि मैं तो बहुत अच्छा योगी हूँ, जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि योगी बच्चे छिपे नहीं रह सकते। बाबा ने बच्चों को चैलेंज दिया हुआ है। अलग अलग समय पर बाबा की मुरलियाँ चली है, तो आप समझ सकते हैं बाबा सभी बच्चों को एड्रेस करता है। एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अभी तक बेबी बुद्धि है। बेबी बुद्धि कहने के पीछे भाव यह है कि बच्चे अभी तक मैच्योर परिपक्व नहीं हुए हैं। और कल की मुरली में कहा था कि बच्चों को लगता है योग अच्छा है, लेकिन अगर अच्छी तरह से बाबा की याद में है तो सुनना बंद हो जाता है। आज की मुरली में बाबा ने फिर से कहा है कि योग शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करो, क्योंकि ये शब्द शास्त्रों का है। बाबा सिंपल भाषा इस्तेमाल करता है, याद, और पूरा खेल इमोशंस का है, भावनाओं का है, दिल का है। वैसे हमको मनोविज्ञान में ये बताया जाता है और ये बहुत गहरी मान्यता है कि इमोशन से खुद को संभाल के रखना। कई लोग ये समझते हैं कि इमोशंस आर नेगेटिव। बाबा के भी कई बच्चे इमोशंस को नेगेटिव बताते हैं। अभी उनके पीछे भी राज है क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इमोशंस आर नेगेटिव, क्योंकि जब भी व्यक्ति इमोशनल होता है तब उसका तर्क काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए लोग डरते हैं कि इमोशंस का जब अटैक होगा तब हम इलॉजिकल चीजें करेंगे, माना बिना तर्क का डिसीजन लेंगे, इसलिए इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। डॉक्टर्स को तो ये विशेष सिखाया जाता है कि इमोशनल नहीं बनना है, क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन में हम बहुत दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, तो वो दुख और दर्द, वो सारे इमोशंस, भावनाएं अगर हमने अब्जॉर्ब किए तो फिर हम ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ये सिखाया जाता है कि आप डिटैच रहो,
अब ये संस्कार फिर हमारे अंदर कड़ा होने लगता है, इसलिए आजकल इसके ऊपर भी कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए। हमने पहले भी देखा सहानुभूति या सिंपथी कहते हैं और फिर एम्पथी कहते हैं, ये दो शब्द हैं सिंपथी और एम्पथी। बाबा का शब्द है रूहानी सिंपथी, तो बेसिकली बाबा एम्पथी के बारे में ही कह रहा है। सिंपथी माना सामने वाले के दर्द को महसूस करना, और एम्पथी माना महसूस करके फिर उसको सॉल्यूशन देना, उसको एम्पावर करना। तो ज़्यादा देर तक इमोशन में नहीं रहना है ये बताया जाता है, और ज़्यादातर इमोशंस में जब कहते हैं तो दो तीन इमोशंस हम लेते हैं कॉमनली। एक है फियर, डर का इमोशन, या गुस्से का इमोशन भावना, या फिर प्यार की भावना। इसके ऊपर बहुत सारी कहावतें हैं, ऐसे कहते हैं कि जब आप बहुत खुश हो तब आप प्रॉमिस नहीं करना कोई भी, क्योंकि खुशी में दिया हुआ प्रॉमिस शायद आप पूरा नहीं कर पाओ। मैरिज काउंसलिंग में ये बात आती है, पति पत्नी का जब झगड़ा होता है स्पेशली लव मैरिज के बाद में, तो पत्नी कहती है तुम ही बोलते थे कि तुम्हारे लिए तारे तोड़कर ला दूंगा, अभी लेके आओ तारे तोड़कर। तो ये खुशी में दिया हुआ वायदा है, तो खुशी में वायदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुशी में किया हुआ वायदा रहता है। और गुस्से में कुछ ऐसा बोल नहीं बोलना चाहिए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। तो ये सब इमोशंस में होता है, इसलिए कई लोग इमोशंस को नेगेटिव समझते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो दिल वाला है। जितने भी इमोशंस हैं हमको सब बाबा में लगाने चाहिए, किसी देहधारी में नहीं है, लगाने नहीं चाहिए। अनुभवी आत्माओं से हमको सीखना है, जिन्होंने जिंदगी जी हुई है, माना जिनकी उम्र 60 70 80 हो गई है, उन्होंने जीवन को देखा है। और जब वो ऐसी आत्मा कोई बात कहती है तो बहुत अनुभव से कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई है अंडर द इफेक्ट ऑफ इमोशंस वो इनसे नहीं हो, इसलिए बुजुर्गों का सुनना चाहिए। सबसे बुजुर्ग तो ब्रह्मा बाबा है, और बाबा कहता है हमेशा अनुभवी रहती। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा ने आज इसी इमोशंस के ऊपर कहा है कि कई बच्चे कहते हैं योग में नहीं ठहर पाते, तो बाबा ने इमोशनल बात कही है कि अपने माँ बाप को याद करना कठिन होता है क्या। अभी यहाँ पर बाबा रिलेशनशिप्स की बात कह रहा है कि संबंधों में याद तो नेचुरल रहती है, और जितना बाबा से प्यार होगा, जिगरी प्यार होगा, उतना याद नेचुरल रहेगी। इसलिए बहनें और माताएं इसमें नंबर ले लेते हैं। वैसे भी भाइयों को कहा जाता है कि इनके अंदर प्यार की कमी होती है, ये मोटे रूप में कहा गया है। कई भाई भी इमोशनल होते हैं, क्योंकि रोना भाइयों से आता नहीं है, बहनें रोती है, तो इमोशंस दिखाई देते हैं, मेल फीमेल डिफरेंस दिखाई देता है। इसलिए माताओं बहनों का योग देखो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो बाबा को अपने प्यार में बांध लेते हैं। भाई भी कर सकते हैं, अगर बाबा ने आज जो मुरली में कहा कि अगर संबंध दिल का है तो याद नेचुरल रहती है। किसी भी बच्चे को ये कहना नहीं पड़ता है कि अपने माँ बाप को याद करो, नेचुरल याद रहती है। सिर्फ उस प्यार में खो जाना है, उस अवस्था तक जाना है। ये सबसे नहीं होता है, लेकिन जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरे अंदर इतने इमोशंस नहीं आते हैं बाबा के लिए। हाँ, ज्ञान अच्छा लगता है,
दिमाग से ही सब काम चलता है, क्योंकि ये कड़ा संस्कार मेडिकल फील्ड से आया हुआ है। क्योंकि हम अगर डेथ देखते हैं आईसीयू में, बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट होते हैं। अगर मैं हर एक के इमोशंस में जाऊं, हर एक की सांत्वना करने लगूं, आप सोचो दिन भर में मेरी अवस्था क्या होगी। क्योंकि ये सब इमोशंस मैंने अपने अंदर अरोज किए हैं, जागृत किए हैं। वो पेशेंट के रिलेटिव्स रो रहे हैं, पेशेंट भी रो रहा है और मैं भी रो रहा हूँ। कितने बार, कितने दिनों तक, कितने सारे कॉल रहते हैं, तो हमको डिटैच रहना पड़ता है। तो वो डिटैचमेंट का फिर संस्कार बन जाता है और हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। अब ये कईयों में ये संस्कार होते हैं, इसलिए इमोशन से बच के रहना चाहिए। इसको इमोशनल हाइजैक, ये शब्द इस्तेमाल किया है। इमोशनल हाइजैक ये साइकोलॉजी का शब्द है। इसका मतलब है भावना में, भावनाएं आपका बुद्धि का हरण कर लेती है। जैसे मैं अपने सेशन में जब इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सेशन लेता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भावना बहन है वहाँ विवेक भाई का कुछ नहीं चलता, क्योंकि भावनाएं बहुत स्ट्रांग रहती है, तो सब भावना में बह जाते हैं। इसलिए भावना में बहना नहीं है, लेकिन भावना को यूज करना है बाबा के साथ। सभी इमोशंस बाबा के साथ, देहधारियों में इमोशंस नहीं लाना है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि वो फिर आपको विघ्न पैदा कर सकते हैं। इसलिए न्यारा प्यारा ये स्पिरिचुअलिटी का स्लोगन ध्यान में रखना चाहिए। न्यारा और प्यारा रहना है, न्यारा रहना है, प्यारा रहना है। न्यारा बनकर प्यारा रहना है या प्यारा बनकर न्यारा रहना है, इसके ऊपर भी बाबा ने बताया है। कई लोग न्यारा रहना है तो एकदम रूखे हो जाते, बात करना बंद कर देते, ये भी ठीक नहीं। कई लोग प्यारा होने जाते तो बस प्यारे ही प्यार दिखाई देता है, ये भी ठीक नहीं है। हमको अच्छा बैलेंस रखना है। तो याद की बात चल रही थी, तो याद के लिए बाबा ने कहा, अगर संबंध है, स्नेह है, प्राप्ति है, परिचय, ये चार बातें 7 डेज कोर्स में बहने भी सुनाते हैं, स्नेह, संबंध, प्राप्ति, परिचय। तो अगर ये चारों बातें हैं तो बाबा की याद नेचुरल है, फिर विघ्न कहाँ से आते हैं? तो विघ्न का जवाब आज बाबा ने मुरली में दिया। ये सब साइकोलॉजी की बातें हैं, जो साइकोलॉजी वाले बाबा के बच्चे हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे। अंग्रेजी का एक शब्द है रूमिनेशन, अब ये बहुत अच्छा शब्द है रूमिनेशन। जैसे बाबा मुरली में कहता है, गाय जुगाली करती है। जुगाली माना उसने जो घास खाया है उसके पेट में गया है, अभी वो बैठने के बाद वो पेट का घास फिर से मुंह में लाती है। इसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, माना वापस मुंह में लाएगी, फिर उसको अच्छी तरह से चबाएगी, जितना चबाएगी फिर वो अंदर ढकेल देगी। तो कुछ ऐसा ही कुछ लोगों का संस्कार होता है कि अपने जीवन में जो भी बातें हुई है मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। एक आत्मा मेरे पास आई, कहती है कि आप मदद करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है टीचर ने कुछ ऐसा वाक्य बोला जो दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। मैंने कहा कब बोला? बोला कई साल हो गए, लेकिन जैसे ही टीचर को देखता हूँ वो सब बातें याद आती है। बाबा के सामने बैठता हूँ तो भी वो बातें याद आती है। योग लगता नहीं है, पुरानी बातों का चिंतन चलता रहता है। अभी मुझे बात समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं इस अवस्था से जा चुका हूँ। तो मैंने कहा उसको कि आपको हर्ट हुआ जब उसने कहा? उन्होंने कहा हाँ बहुत हर्ट हुआ। तो फिर अभी क्यों चल रहा है, हो गई ना वो बात? तो कहते नहीं, अंदर से मुझे ऐसे लगता है उनको सजा देनी चाहिए। मैंने कहा सजा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? तो बोला मन को शांति मिलेगी। ये दिस इज वेरी टिपिकल आप बदला लेने का भाव। दुनिया में यही होता है, टिट फॉर टैट। लोग कोई गलती करते हैं तो उसको सजा देने को जाते हैं। अभी गलती है भी नहीं, ये भी डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी
ये कुछ होता है इन आत्माओं के साथ में, और इसमें काफी सारी आत्माएं हैं जो पिछली जिंदगी में जो भी बातें हुई है उसको याद करते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि क्या थॉट्स होते हैं, ये थॉट्स पकड़ लेने चाहिए, क्योंकि बाबा का ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा हमारी भाषा को ही पकड़ता है, भाषा जिसको साइकोलॉजी में हम सेल्फ टॉक कहते हैं, खुद के साथ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? तो बाबा ने कहा ऐसा होता तो ऐसा करते, पता नहीं, पता होता तो ये नहीं करते। माना ये बातें मन के अंदर चल रही है कि मेरे से गलती हो गई, मैं भावना में आ गई, मुझे उस समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, मुझे उस समय थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, गुस्से में आकर मुझे ऐसा बोल नहीं देना चाहिए था। लेकिन बाबा कह रहा है कि जो बीत गया सो ड्रामा, ये इसके लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। हमारी आदरणीय सत्यवती दीदी तिनसुकिया में थी, साकार बाबा से पालना ली हुई, तो तिनसुकिया जोन आप सब जानते होंगे, अपर आसाम में बहुत इम्पोर्टेंट जोन है, जिनके पास ईस्ट इंडिया, भारत के पूर्वीतर काफ़ी राज्य है, नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और आसाम, ये बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार पूछा कि सचिन भाई, ब्रह्मा बाबा की कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगती है? तो मैंने कहा मैं तो मिला नहीं हूँ, हमने तो किताबों से और दादियों के क्लासेस से सुना है, तो बाबा में तो बहुत सारी विशेषता थी। तो उन्होंने कहा नहीं, बाबा में एक विशेषता बहुत जो हमने देखी कि बाबा ड्रामा पर पक्का था, एकदम ड्रामा पर पक्का था। फिर उन्होंने अपने बाबा के साथ के अनुभव सुनाए, यही बात आज की मुरली में आई है। ये ड्रामा इतने शक्तिशाली पॉइंट है ड्रामा की, जिस भी बाबा के बच्चे की इस पॉइंट पर पकड़ है अच्छी तरह से, जैसे स्पिरिचुअलिटी में पकड़ होती है, मास्टरी होती है कुछ लोगों की, तो इस ड्रामा की पॉइंट के ऊपर अगर मास्टरी है, तो बाबा ने जो मुरलियों में कहा है सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ। कल मुझे किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया अव्यक्त बाप दादा का, उसमें बाबा कह रहा है सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। तो मेरा भी उसके ऊपर चिंतन चला कि सेकंड में फुल स्टॉप कैसे लग सकता है, उसके लिए तो बहुत पावर्स चाहिए। और बाबा ने कहा हुआ भी है, अव्यक्त महावाक्य है, कि जिन बच्चों के पास में सर्व शक्तियों का स्टॉक, स्टॉक कहा है, सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं तो वो बातें उछलती रहेगी। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था, सहन करना समाना, सहन करने के बाद समाने की शक्ति को भी यूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग सहन करते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं। ये आत्माएं जो अपने अंदर बातों को समा नहीं पाते हैं, वो अपना भी नुकसान करते हैं और यज्ञ का भी नुकसान करते हैं। बाबा को इसके ऊपर मुरलियां चलानी पड़ी, और मुझे लगता है ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सेंटर पर रिलेशनशिप्स में डिससर्विस होने का कारण यही है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करना। हम सभी बाबा के बच्चों को इसके ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यर्थ का वायुमंडल बनता है। अभी सुनाने वाला किस भाव से सुना रहा है आपको नहीं पता है, कई लोग सुनाने में एक्सपर्ट होते हैं। हम इनको कहते नारद मुनि। नारद मुनि का जो कैरेक्टर है उसको बताया गया कि आग लगाने वाले हर जगह पे जाके आग लगाते हैं, तो ये नारद मुनि की तरह आत्माएं होते हैं। अभी कई लोगों को ये संस्कार ही होता है इधर की बात उधर करना,
और उसमें अपनी मिलावट करना। बात होती कुछ है, इसको हम इसके ऊपर गेम भी करते हैं मैनेजमेंट में, इसको चाइनीज विस्पर कहा गया है। एक को एक कहानी सुनाते हैं और बाहर कुछ लोगों को रखते हैं। अभी एक व्यक्ति को वही कहानी दूसरे को सुनानी है, दूसरे को तीसरे को सुनानी है, तीसरे को चौथे को सुनानी है। अभी फिर बेसिक कहानी जो रूम में बैठे उनको बता रहे थे, लेकिन एक एक करके जब व्यक्ति को बुलाते हैं क्लासेस में तो देखते हैं कहानी लास्ट में पूरी बदल चुकी होती है। इसके ऊपर गेम कहा जाता किया जाता है। ये सब होता है कि बात होती कुछ है, एक व्यक्ति सुनाता कुछ है, दूसरा उसको और अपना एडिशन करके सुनाता है, तीसरा उसमें और एडिशन कर देता है। बाबा ने एक मुरली में आखिर कहना पड़ा बाबा को कि किसी का समझो किसी के प्रति भाव अच्छा नहीं है, अभी उसको बदनाम करना है उस व्यक्ति को। तो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि एक ने कहा, दोनों खड़े थे बात कर रहे थे, अभी उसको लगा कि इन लोगों का आपस में कुछ है। दूसरे ने सुना, उसने तीसरे को सुनाया कि केवल खड़े ही नहीं थे, अच्छी तरह से खड़े नहीं थे। अभी देखो कहाँ की बात कहाँ चली गई, इसमें एडिशन होते गया। ये सब बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा क्योंकि ऐसा हुआ है। तो हमको ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे पास ये काफी किस्से आते हैं, कई जगह पे जाता हूँ तो मुझे ऐसे असंतुष्ट आत्माएं मिलते हैं। अभी ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये सबके सामने नहीं मिलेंगे, अकेले में मिलना चाहेंगे। अकेले में मिलके इनकी शुरुआत ही ऐसे होते हैं कि सचिन भाई आपको पता नहीं इधर क्या होता है, जैसे ही उसने कहा आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ बताना भी मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि आगे वो पूरा कचरा बताने वाला है। मैं कहता हूँ बाबा के कमरे में जाओ और बाबा को बता दो, मुझे मत बताओ, बाबा बैठा हुआ है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें अंदर अगर गई तो ये हमको फुल स्टॉप लगाने नहीं देगी। एक है हमारे द्वारा ऐसे कर्म हुए, एक है दूसरों के प्रभाव में आके, दूसरों के प्रभाव में आके कुछ हम ऐसा काम करते हैं जिसके वजह से भी हमारा योग नहीं लग सकता। इसलिए ये ड्रामा की पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेना चाहिए। कई लोग इसको डिफेंस के रूप में यूज करते हैं। एक आत्मा अमृत वेला उठी नहीं, तो उसको पूछा क्यों नहीं उठे, तो उसने कहा क्या करूं, कल्प पहले भी नहीं उठा था। अभी यही ड्रामा की पॉइंट उल्टी तरह से उठा ली गई। फिर आगे कह रहा है कि ये सवाल आपने मुझे कल्प पहले भी पूछा था, मैंने यही जवाब दिया था। फिर कह रहा है कि आप ये सवाल हमको 5,000 साल के बाद भी पूछने वाले, उस वक्त भी मेरा यही जवाब होगा। अभी इसको इसको नहीं कहते कि ड्रामा के ऊपर अटल रहना, पॉजिटिव बातों में अटल रहना चाहिए, अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। हो गया बात, अगले बार के लिए अटेंशन। ये ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में जी के दिखाया। हमारे शिव कुमार भाई है दिल्ली में, उस समय तो कुमार थे, बहुत छोटे थे, जिसको बाबा मुरली में शिव बालक कहता है, उनके हाथ से उन्होंने मुझे बताया कि लालटेन थी उस समय, लालटेन माना एक दिया होता है कांच का, तो वो फूट गया बाबा का कमरा साफ करते समय। उसको लगा बाबा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाबा ने आके देखा कि लालटेन फूट गई। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे अगली बार से ध्यान रखना। दूसरे दिन फिर से लालटेन टूट गई, नहीं, फिर बाबा ने कहा बच्चा अगली बार ध्यान रखना, तीसरे दिन ही टूट गए। तो उसको लगा अभी तो बाबा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा अच्छा बच्चा अगली बार ध्यान करना। उसके बाद उससे लालटेन टूटी नहीं, लेकिन उन्होंने ये अनुभव सुनाया। आज मुझे ये याद क्यों आ रहा है कि ये था ब्रह्मा बाबा का ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय। तो हमको अगर कोई बात हो जाती है, जानबूझकर तो बहुत कम करते हैं, अनजानेपन में हो जाते हैं, अटेंशन की कमी के कारण हो जाते हैं, पुराने संस्कारों के वजह से हो जाते हैं, वश होने के वजह से हो जाते हैं। इमीडिएटली फुल स्टॉप और एक्शन लेना है, उसके ऊपर चिंतन ज़्यादा नहीं करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा तो या तो गलती करो या तो पश्चाताप करो, दोनों मत करो,
क्योंकि कई आत्माएं पश्चाताप में इतने अटक जाते हैं कि वो रोते ही रहते हैं हर बात, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अभी हो गई, उससे पाठ सीख के आगे बढ़ो। अंग्रेजी में एक कोट है, मैनेजमेंट वाले इस कोट को याद रखते हैं कि आई नेवर लूज, हम कभी हारते नहीं है, आई इधर विन और लर्न अ लेसन, मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या पाठ सीखता हूँ। अगर गलती हो गई उससे लेसन सीखो और आगे के लिए अटेंशन रखो। जब तक शक्ति आएगी हमारे अंदर, इसके ऊपर मास्टरी आती जाएगी। बेसिकली पास्ट में रहने के ये जो संस्कार है ये डिप्रेशन में लेके जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन वाले पास्ट में बहुत रहते हैं, उनके अंदर गिल्ट रहती है, अपराध बोध की भावना रहती है। हो गया फुल स्टॉप। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मैं इसमें और नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजी बताता हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीन काल कहते हैं कि भूतकाल वर्तमान और भविष्य। अगर गहराई से देखा जाए तो भूत और भविष्य है ही नहीं, इट्स ओनली वन काल, दैट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम जो हो गई बातें उसको याद करते हैं, और भविष्य में जो बातें हुई नहीं उसको भी याद करते हैं कि आगे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन होता एक ही काल है। और ना पास्ट को हम कुछ कर सकते, ना प्रेजेंट के बारे में कुछ कर सकते। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में समझते हैं कि माइंडफुलनेस होके चलना है। आज इसके ऊपर बहुत सारा डेटा है, रिसर्च कर रहे हैं लोग, क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है लोग भूतकाल और भविष्यकाल में जीना चालू करते हैं। और इसे योगी नहीं कहेंगे, आपकी एकाग्रता नहीं हो सकती, आपको पूरा वर्तमान में जीना है, क्योंकि ये गिफ्ट है परमात्मा ने आपको दी हुई। आज बाबा ने सुदेश दीदी को याद किया है, देखो बाबा महारथियों को याद करते हैं। बाबा ने कितनी महिमा की है, बाबा ऐसे योगी बच्चों को मुरली में याद करते हैं कि आगे चलकर भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेगी। किसी के साथ हमको शास्त्रार्थ नहीं करना है, ये भी बाबा ने आज कहा हुआ है। कायदे में फायदा है, डबल लाइट फरिश्ता की पॉइंट बाबा रोज सुना रहा है मुरलियों में। आज के मुरली में पॉइंट आई है कि योगी हमेशा ऊंची स्थिति में रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि योगी ऊंचा रहते हैं। पहले के योगी पहाड़ों में रहते थे, साधना करते थे। मैं रमन महर्षि जो योगी होके गए उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो वो बचपन में पहाड़ पर जाकर बैठ गए वहाँ पे साधना करना। बहुत दिन हुए घर पे नहीं आए, तो माता जी उनको ढूंढते ढूंढते पहाड़ पर आए, लेकिन वो उतरे नहीं, वो गहरी साधना में चले गए। ऐसे जो योगी होते हैं ऊंचे स्थान पर जाके साधना करते हैं। और बाबा ने आज कहा हमको भी अपने मन को, मन की स्थिति का स्थान ऊंचा रखना है। और वैसे भी कहावत है, बाबा ने कहा कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, फर्श और अर्श, ये दो शब्द बाबा ने फरिश्तों के साथ इस्तेमाल किए। फर्श माना धरती, अर्श माना आसमान। फरिश्ते हमेशा धरती से दूर रहते हैं, आसमान में रहते हैं। तो फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पाव धरती पर न हो, धरती अर्थात पांच तत्वों की धरती माना ये देह मिट्टी, इसमें न हो, उसी को फरिश्ता कहते हैं। पुरानी दुनिया से कोई भी लगाव नहीं, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, इससे कोई लगाव नहीं, हमेशा उड़ने वाले और उड़ाने वाले। और ऐसे जो उड़ने उड़ाने वाले बाबा के बच्चे हैं, जो उड़ती कला में रहते हैं, अभी तो बाबा ने कहा चलती कला दौड़ती कला ये सब खत्म हो गए, अभी केवल उड़ो और उड़ाओ, ये एक ही स्टेज अभी बचा सकती है। तो ऐसे जो उड़ती कला में रहते हैं वो हमेशा दुआएं बिखरते रहते हैं। फरिश्तों का वैसे भी काम है दुआएं देना, दुआएं लेना। और ऐसे जो दुआओं के खाते से भरपूर रहते हैं, बाबा ने कहा
जड़ चित्रों द्वारा भी अनेक जन्म तक वो दुआएं देते रहेंगे। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है वन ऑफ माई फेवरेट, कि इस जन्म में संगम युग पर बाबा के बच्चे जो निरंतर हर एक को दुआएं देते रहते हैं भक्ति मार्ग में, उनके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं प्रवाहित होते रहती है। कनेक्शन है, आवाज़ में नहीं आना है। कैसा भी कर्म करते समय इमीडिएटली कर्म योगी से फरिश्ता अर्थात आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करना है, और यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी कराएगा। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर नहीं विश्वास रखना है, धारणा करना है, दूसरों को समझाना है, फुल स्टॉप इमीडिएटली लगाना है। बीत गया सो ड्रामा, ड्रामा की पटरी पर अचल अड़ोल रहना है, इसी को मन मना भाव कहते हैं। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ज्ञान धन का दान करना है, ऊंची अवस्था में रहना है, दुआएं प्रवाहित करनी है, व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर हमेशा फरिश्ता अवस्था में आवाज से परे साइलेंस की स्थिति में अपने को रखना है। अच्छा, ओम शांति।